नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जंक्शन से शुरू होती है, जहां पर एक तलाकशुदा पति पत्नी का मिलन 5 साल बाद ट्रेन में एक सफर के दौरान होती है। दोस्तों एक ही सीट पर एक ही कंबल में रात बिताती है, जिसके वजह से तलाकशुदा महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निधर दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर ले। दोस्तों इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों रोशन नाम के लड़के की शादी प्रीति नाम की लड़की से 2015 में हुई थी। दोस्तों शादी के बाद उन दोनों की रिश्ता किसी कारणवश ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं और दोनों को तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक के बाद दोनों की शादी हो जाती है किसी और के साथ। प्रीति भी अपना जीवन हंसी खुशी अपने पति के साथ बिता रहा होता है और रोशन भी अपना जीवन हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ बिताने लगता है। दोस्तों बता दें कि रोशन दिल्ली शहर में रहकर किसी फैक्ट्री में जॉब करता था और प्रिया की भी पति दिल्ली शहर में रहकर जॉब करता था। दोस्तों प्रिया के शादी के लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन एक भी बच्चे नहीं हुए थे। दोस्तों प्रिया एकदम हॉट सेक्सी और जवान महिला थी, कोई भी उसे देखता तो उसे पाने की चाहत करने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है कि रोशन घर से दिल्ली जाने के लिए बलिया जंक्शन पर ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चल पड़ती है। बलिया से ट्रेन चलने के बाद दूसरी स्टॉप पर ट्रेन जैसे रुकती है, उस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर सवार हो जाते हैं। उसमें से एक शादीशुदा महिला भी सवार होती है और उसके बाद महिला सीट ढूंढने लगती है, क्योंकि महिला के पास कंफर्म टिकट नहीं थी, कोई भी महिला को अपने सीट पर नहीं बैठा रहा था। महिला परेशान थी, फिर उस बोगी से निकल कर दूसरे बोगी में जाती, वहाँ पर एक सीट खाली होता है और वह जो सीट खाली होता है वह किसी और का नहीं था, बल्कि उसके तलाकशुदा पति रोशन का ही सीट था। रोशन बाथरूम गया हुआ था, तब तक महिला उस सीट पर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों 5 मिनट बाद रोशन बाथरूम से आता है अपने सीट पर, फिर रोशन देखता है कि एक शादीशुदा महिला उसके सीट पर बैठा हुआ है, फिर उसे बोलता है, मैडम मेरी सीट है, आप अपने सीट पर जाइए, आपका सीट कहाँ है। जैसे ही इतना बात बोलता है रोशन, महिला अपना मुंह घुमा करके चेहरे पर ताकने लगता है। जैसे ही ताकता है रोशन परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह यहाँ कैसे और मेरे सीट पर कैसे आके बैठ गए। दोस्तों महिला भी देखकर उसे हैरान और परेशान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि यह यहाँ कैसे। फिर रोशन महिला को अपने सीट से हटाने के बजाय उसे बैठने देता है और खुद सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। रोशन पूछता है कि कहाँ जा रही हो, फिर प्रिया बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, दिल्ली शहर में रहते हैं। फिर प्रिया पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर रोशन बताया कि मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। दोस्तों 5 साल बाद तलाकशुदा पति पत्नी एक साथ मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों के बीच ना वाद विवाद होता है, बल्कि तलाक के पहले जैसा प्यार और बातचीत सफर के दौरान होने लगता है। दोस्तों फिर प्रिया पूछता है कि तुम शादी किए हो या नहीं, फिर रोशन बोलता है कि मैं शादी कर चुका हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। दोस्तों फिर रोशन बोलता है कि तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, फिर बोलती है मुझे तो अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। दोस्तों बातें करते करते शाम हो जाती है, शाम के बाद रात होती है, दोनों को नींद आने लगती है, फिर दोनों सोने के लिए आपस में विचार करने लगते हैं। ट्रेन के सभी लोग सोने लगते हैं और यह दोनों परेशान था कि सोए कैसे एक ही सीट पर। प्रिया बोलती है रोशन से, आप सो जाइए, मैं बैठकर टाइम पास कर लूंगी। फिर रोशन बोलते हैं, अरे कोई नहीं, इसी पर दोनों सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सोया हूँ क्या, तलाक से पहले तो तुम्हारे साथ ही सोता था, तुम भी मेरे साथ ही सोती थी, तो फिर आज क्यों शर्मा रही है और आज क्यों मना कर रही हो, मेरे साथ ही इसी सीट पर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, हंसते हुए कहा। दोस्तों फिर दोनों एक ही बेड पर सो जाती है। सोने के बाद दोनों को नींद नहीं आने लगता है, क्योंकि एक मर्द और एक औरत बिस्तर पर हो जाए तो फिर नींद आना असंभव होता है। ठंडी का मौसम होता है, दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोए हुए होते हैं। ठंड लगने की वजह से दोनों अपने शरीर को कंबल से ढक लेते हैं।
दोस्तों उसके कुछ ही मिनट बाद रोशन गर्म हो चुका था और उसकी तलाकशुदा पत्नी भी गर्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के शरीर से चिपका हुआ था। उसके बाद दोनों शुरू हो जाते हैं बर्दाश्त से अधिक होने पर और फिर एक ही कंबल में एक ही सीट पर एक ही साथ तलाकशुदा पति पत्नी वह सब कुछ करने लगते हैं जो नॉर्मल पति पत्नी करते हैं। दोस्तों चलती ट्रेन में सफर के दौरान भरपूर आनंद लेते हैं और सारी रात संबंध बनाते हैं। प्रिया एकदम जवान थी, मस्त थी। प्रिया के साथ संबंध बनाने में रोशन को काफी आनंद आया और फिर पहले वाला प्यार याद आने लगा। दोस्तों दोनों को एक दूसरे से मन ही नहीं भर रहा था। वहां से उठकर बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में भी वही सब करते हैं जो सीट पर किया था। उसके बाद सुबह होती है, फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रोशन बोलते हैं, कैसे बीता रात, मजा आया या नहीं? फिर प्रिया बोलती है, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। भगवान का लाख लाख शुक्र कि हम दोनों की मिलन एक बार फिर से सफर के दौरान करवा दिए। दोस्तों कुछ देर बाद ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर पहुंच जाती है। उसके बाद दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। जाने से पहले दोनों का आंख भर जाता है, दोनों रोने लगते हैं। लेकिन दूर हो चुकी थी और तलाक दे चुकी थी, शादी कहीं और कर चुकी थी दोनों के दोनों, इसलिए बिछड़ना पड़ रहा था। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों नंबर ले चुका था जिसके वजह से दोनों की बातचीत होते रहते थे। दोस्तों प्रिया के पति ड्यूटी चला जाता था तो प्रिया अपने तलाकशुदा पति को अपने कमरे पे बुला लेती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। और जब भी उसे मौका मिलता था तब उसके पास चली जाती थी बहाना करके घूमने फिरने के और उससे मिल आती थी। दोस्तों दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और दोनों फिर से संबंध बनाने लगे थे। दोस्तों अपने तलाकशुदा पति के साथ कई महीनों तक संबंध बनाने की वजह से प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात का पता उसके पति को कानों कान तक नहीं चलता है। दोस्तों प्रिया को तलाकशुदा पति के वजह से एक बेटा भी हुआ है। बताओ दोस्तों कि इस सच्ची घटना की कहानी पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। बाय बाय टाटा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। दोस्तों इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुँचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह था कि लोग जागरूक। थैंक यू सो मच।